रायबरेली में 20 मई को पांचवें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शहर के एक लॉन में बसपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर रायबरेली लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव ने जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने रायबरेली की जनता को छला है। आ गया है कि रायबरेली की जनता अपने वोट के माध्यम से दोनों को जवाब दे। उन्होंने रायबरेली की जनता का मिलने सहयोग का धन्यवाद दिया और कहा कि अब की बार देश की जनता बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। करीब आ चुका हमारे बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिला है। आम जनता हमारे साथ है, चुनाव आम जनता लड़ा रही है हमें, और हम लोग पूरी तरह से बहुमत से सरकार बनाएंगे, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज 14 तारीख है, चुनाव जो है 18 तारीख को मतदान होना है और 20 तारीख को मतदान होना है। जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा ने पूरी ताकत ढोकी तब तो लगातार रायबरेली पर नजरें गड़ाए हैं, तो क्या कहना है इन दोनों प्रत्याशियों को? आप भाई, ये प्रत्याशी हमारी एक सरकार का है, वो एक बहुबली है प्रत्याशी। हम लोग जो है जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, मैं जनता मुझे चुनाव लड़ा रही, मुझे क्या कहना, जनता चुनाव लड़ा रही। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।